तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है, और यह हमारे पास जो है ऑनर मैजिक वॉच 2 है। इसके लिए हमने कहीं से ये ऑर्डर किया है, इसका स्पेशल जो प्रोटेक्टिव केस है वो। तो कहाँ से किया है? दरअसल जो अली एक्सप्रेस है, जिसको कि अभी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है, मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया था। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था कि इस टाइप का भी कोई मटेरियल आता है जो कि हमारी वॉच को प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि इसके जो टेम्पर ग्लास हैं वो इतने काम में नहीं आते और जल्दी जल्दी वो फूट जाते हैं। तो मैं एक बार आपको फटाफट ये प्रोडक्ट एक बार दिखा देता हूँ, और फिर इस प्रोडक्ट को मैं अप्लाई करता हूँ अपनी इस होनर मैजिक वॉच 2 पे। तो सबसे पहले इसकी मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये देखिए बिल्कुल एकदम सिलिकॉन है और बहुत सॉफ्ट है। तो स्क्रैच रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके ऊपर स्क्रैच होंगे तो वो स्क्रैच आपकी जो स्क्रीन है उसको तो बचा ही लेंगे कम से कम। तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है जो कि टच सेंसिटिव भी है, तो इसको हमें बस जो अपनी वॉच है इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे पहले। तो चलिए मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ। अब क्लीन करने के बाद बस इसको इस तरह से फिट करना है। ये देखिए इधर से ये फिट हो चुकी है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड से इसको फिट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे फिट हो चुकी है, ये देखिए। तो आप इसको छोटे छोटे डॉट्स से दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, हाँ स्क्रैच तो इस पर होंगे, लेकिन ये आपकी वॉच को स्क्रैच होने से बचा लेंगे। तो आप लोग इसको कहाँ से परचेज करें? देखिए मैंने इसको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट सब जगह इसको सर्च किया, तो ये मेरे को अमेज़ोन पे मिला, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो 2000 समथिंग दे रखी थी, तो वो शेयर करने से कोई मतलब है नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अली एक्सप्रेस पे ऑलमोस्ट 100 रुपये के अराउंड मुझे मिला है, और ये हार्डली 30 दिन के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिलीवर भी कर दिया गया। अब जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के बिल्कुल माल को बंद कर दिया गया है, तो हम लोग वेट करेंगे कि कोई जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह से स्मार्ट वॉच के जो केस है वो बनाने लगे, क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी अगर किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को जानते हैं तो प्लीज़ उनको इस चीज़ के अवगत कराएँ कि बहुत सी कम्यूनिटी है जो कि अब स्मार्ट वॉच यूज़ करने लग गई हैं, तो उससे रिलेटेड एसेसरीज वो निर्माण करने लगे, ताकि हम जो कि पूरे ग्लोबल में हम लीड करते हैं वो कम से कम स्मार्ट वॉच के क्षेत्र में भी थोड़े बहुत लीड करें। क्योंकि मैंने देखा है कि स्मार्ट वॉच के नाम पे लूट मचा रखी है, टेम्पर ग्लास से लेके स्ट्रैप से लेके कुछ भी हो, ये जो स्ट्रैप है ये हार्ड सिलिकॉन का स्ट्रैप है, हार्डली 100-150 रुपये का मिलता है, जो कि अली एक्सप्रेस से मैंने 150 का मंगाया है, और यही सेम प्रोडक्ट जो अपने इंडिया में है वो 700 रुपये का मिल रहा है। तो जब ये प्रोडक्ट इंडिया में बनने लग जाएंगे तो सोचो वो कितने सस्ते मिलेंगे। तो अभी तक कोई सेलर या कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है जो कि इनके प्रोडक्शन कर रहा है, और अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है और अमेज़ोन पे इन पर इन्होंने लिस्टिंग कर रखी है, तो वो 700-800 रुपये में बेच रहे हैं, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो मेक इन इंडिया बनना है, लेकिन महंगा इंडिया नहीं बनाना। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो आप भी इस प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, अगर आपको कहीं पे मिलता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वहाँ पे लिंक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये जो प्रोटेक्टिव केस वाला जो ये प्रोडक्ट है वो मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी कुछ बात बुरी लगी हो तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में स्मार्ट वॉच एसेसरीज मैन्युफैक्चरर आ गया है और बहुत सी एसेसरीज बनाएं। स्मार्ट वॉच तो खैर बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही है, लेकिन एसेसरीज काफ़ी महंगी पड़ती हैं और ना ही यहाँ पे बनती हैं। तो आज की वीडियो को ये भी विराम देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।